हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग विंडोज़ को डाउनलोड करेंगे और फिर एक पेन ड्राइव को हम लोग कैसे बूटेबल बना के उससे हम लोग अपना विंडोज़ को पीसी में चलाएंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में आपको सारा जानकारी मैं दे दूंगा जिससे आप अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में खुद से विंडोज़ को चला लें। आपको कोई भी शॉप में या कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। आप कोई भी ब्राउज़र से इसे डाउनलोड कर सकते हो। मैं जो साइट बता रहा हूँ आप उसी को ओपन करना। ये साइट है गेट इन टॉप। मैं ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे देखिए, ये साइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपको पीसी का सारा सॉफ्टवेयर मिल जाती है। यहाँ पे सर्च बार में हम लोग लिख देंगे विंडोज़ 7। मैं यहाँ 7 डाउनलोड कर रहा हूँ। आपको 10 डाउनलोड करना, आप 10 भी इसमें से डाउनलोड कर सकते हो। लिनक्स चाहिए, लिनक्स विंडो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारा विंडो मिल जाएगा। देखिए, ये रहा विंडोज़ 7 जो मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना है, ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ ऊपर में आपको सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिएगा। आपके सिस्टम में मिनिमम 1 GB रैम होनी चाहिए और आपके हार्ड डिस्क में 16 GB का फ्री स्पेस होना चाहिए, और साथ ही आपके प्रोसेसर पेंटिनम 4 या उससे अधिक होनी चाहिए। अगर ये सब क्राइटेरिया आपके सिस्टम पूरी करती है तो फिर आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसे पहले ही डाउनलोड करके रख लिया है। तो चलिए, ये रहा, ये मैंने इसे पहले ही डाउनलोड कर लिया है। तो अब हम लोग पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। यहाँ पे स्टार्ट बटन प्लस आर को आप ओपन करेंगे तो आपके सिस्टम में रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे CMD लिख के आपको इंटर करना है। यहाँ पे देख लीजिए, एक ब्लैक विंडो आ गई। यहाँ पे आपको जो जो मैं लिख रहा हूँ वही आपको लिखना है। जिसमें मैं स्पेस दूंगा आप स्पेस देना, जिसमें मैं नहीं दूंगा आप नहीं देना। जो मैं लिख रहा हूँ वो सही सही से आप टाइप करना, यहाँ माउस का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ डिस्क पार्ट लिख के आपको इंटर कर देना है। विंडोज़ की तरफ से मैसेज आएगा, इसको आप यस कर देंगे, एक और विंडो खुल जाएगा। हमें इसी विंडो में काम करना है। अब यहाँ पे आपको लिखना है लिस्ट डिस्क, लिस्ट स्पेस डिस्क लिख के इंटर कर देना है। यहाँ पे आपको दो डिस्क यानी कि मेमोरी आगे, एक हमारे हार्ड डिस्क होगी और एक पेन ड्राइव होगी जो हमने सिस्टम में लगा के रखे हुए हैं जिसे हमें बूटेबल बनाना है। तो जो ज़्यादा GB वाली है वो हमारी हार्ड डिस्क है, जो कम GB वाली है वो हमारा पेन ड्राइव है। तो यहाँ डिस्क 1 हमारा पेन ड्राइव है, इसीलिए हमने सेलेक्ट डिस्क 1 किए। फिर हमें इसे क्लीन करना है, हम क्लीन लिख के इंटर मारेंगे। यहाँ पे क्लीन हो गया ये। अब हमें यहाँ पे ये क्लीन हो चुका है। अब यहाँ हमें पार्टीशन क्रिएट करना है, तो हमें लिखना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। वीडियो का क्वालिटी थोड़ा ख़राब है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट हमने कोशिश किया है कि आपको पूरी जानकारी दें। और इस वीडियो में लास्ट तक आप ज़रूर से बने रहिए क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात इससे जुड़ी हुई कही है। इंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इस पर क्रिएट कर दिया गया। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट पार्टीशन 1 करेंगे। 1 हमारा हार्ड पेन ड्राइव है, इसीलिए स्पेस देके आपको लिखना है। इंटर करेंगे, यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ हमें लिखना है फॉर्मेट FS is equal to NTFS space quick, ये लिख के आपको इंटर करना है। इसी से पेन ड्राइव बूटेबल बनता है, ये इसका फॉर्मूला है या जो भी आप कह लीजिए। इंटर कर दिए हैं। अब यहाँ पे ये 100% जैसी हो जाएगी, अभी 0 है, ये देखिए 100% हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इसे हमें एक्टिव करना है, तो हम लोग लिखेंगे एक्टिव और इंटर करेंगे।
एक्टिव लिख के बस आपको इंटर कर देना है। ये देखिए ये एक्टिव हो गया, ये हमारा पेन ड्राइव रेडी हो गया। अब हमें यहाँ से एग्ज़िट कर जाना है, तो हम एग्ज़िट लिख के इंटर कर देंगे। ये विंडोज देखिए बंद हो गया, इस विंडो को भी हम लोग बंद कर देंगे। हमारा पेन ड्राइव बूटेबल हो चुका है, लेकिन इसमें अभी भी विंडोज़ नहीं है, तो हमें ये विंडो उसमें कॉपी करके पेस्ट करना है। बट इसे खोल के, ये अभी एक सीडी फॉर्मेट पे है और हमें इसके अंदर जो भी फोल्डर या फाइल है उसे पेस्ट करनी है, लेकिन ये खुलेगी नहीं। इसमें जैसे ही क्लिक करूँगा आपको ये डिस्क का ऑप्शन आएगा या कुछ भी ऑप्शन आएगा, ये खुलेगी नहीं। इसे खोलने के लिए एक और एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप देख लीजिए ये एप्लीकेशन है ओनली 1 MB की, 7-Zip। आपको ये डाउनलोड करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगी क्योंकि ये ओनली 1 मिनट की 1 MB की सॉफ्टवेयर है। बस आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसे इंस्टॉल करके रखा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखिए यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ 7-Zip का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसी में जाना है। पहले हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर हमें ये डिस्क को डाल देना है जिसमें हम इसमें हम लोग कुछ नाम लिख के सेव कर देना है। जैसे मैं विंडोज 7 लिख के सेव कर दिया और उसके अंदर हमें इस डिस्क वाले विंडोज 7 को डालना है। अब इस डिस्क को हम लोग इसी ऐप के सहारे से खोलेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें एग्जिट हेयर करना है। एग्जिट हेयर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये सारे फोल्डर जो उसके अंदर है उस सबको बाहर कर दिया। ये प्रोसेस में आपको थोड़ी सी टाइमिंग लग सकती है, जितनी बड़ी आपकी फाइल लगे उसके अनुसार, तो हो सकता है आपको 15-20 मिनट समय लगे। चलिए मेरा ये पूरा हो गया। अब हमें वापस से सीडी वाली जो विंडोज़ है इसको बाहर निकालना है, तो हमें इसे कट करके पेस्ट कर देंगे बाहर, कट करेंगे फिर बाद में हम पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग पास जो फाइल बचे हैं वो ओनली जो इसके अंदर थे वही फाइल है, तो हमें इन्हीं फाइल का ज़रूरत है। इन सबको हम लोग कॉपी करेंगे और जो हमारे पेन ड्राइव हमने बूटेबल बनाया है उसके अंदर हमें पेस्ट करना है। इसमें देखिए अभी खाली है, इसमें हम लोगों को पेस्ट कर देना है। ये हमने पेस्ट कर दिया। इसमें आपको समय ज़्यादा लगेगी फाइल के अनुसार, मुझे ये करने में लगभग 45 मिनट लगा था। मैं इसे आपको स्किप करके दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा लेट हो तो आप इसके लिए टेंशन नहीं लें, ये अच्छी तरह से आपके पेन ड्राइव को बूटेबल बना देगी। चलिए ये होने वाले, ये कंप्लीट हो गया, हमारा पेन ड्राइव अब रेडी है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर आ गया है। तो चलिए देखते हैं इसे हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं हमारा पेन ड्राइव सही से बूटेबल हुआ है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग पेन ड्राइव को ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए एक हार्ड ड्राइव जैसा इसका आइकॉन बना हुआ, तो इसे हम लोग सिंपली एक बार अपना पेन ड्राइव को बाहर निकाल देंगे और फिर से लगाएंगे। फिर से मैंने लगा दिया, अब फिर से माय कंप्यूटर में जाके अब हम देखते हैं इसका आइकॉन, देख लीजिए चेंज हो गया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा आ गया है। तो इसका मतलब हमारे पेन ड्राइव एकदम सही तरीके से बूट हुआ है और एकदम सही तरीके से उसमें विंडोज़ चल गई है। अब हम इस विंडोज़ को अपने PC में कैसे चलाएँगे, तो उसके लिए आपको विंडोज़ के बूट ऑप्शन में जाना होगा। विंडोज़ के बूट ऑप्शन में जाने के लिए आपको इसे रिस्टार्ट करना होगा। चलिए मैंने इसे रिस्टार्ट कर दिया। बूट बटन हर सिस्टम में अलग अलग रहते हैं, मेरा में ये F2 में है, किसी में F7 में रहता है, किसी में डेल बटन रहता है जो कि एक डॉट रहता है DEL नंबर बटन के पास ही रहती है, उसमें भी रहता है। जस्ट उसको आपको प्रेस करते रहने होगी जब ये स्टार्ट होगा। देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे
चौथा ऑप्शन में बूट ऊपर में है, वहाँ पे आपको आना है, कीबोर्ड भी आपको यूज़ करना है। यहाँ पे जैसे फोर नंबर में आपका सेंडिक्स है, इसमें हमारा विंडोज़ है जिससे हमने बूटेबल बनाया था, तो इसे आपको सिंपली वन में लेके जाना है और इंटर कर देना है और ये फॉर्मेट होना चालू हो जाएगा। मेरा सिस्टम अब हमें फॉर्मेट नहीं करना है, इसलिए मैं इसे बैक कर दे रहा हूँ। अब इससे जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा। अभी तक मैंने जितना भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जहाँ से भी पता है, ये टोटली फ्री है, आपको कहीं पर भी कोई पैसे नहीं देनी है। दूसरा, जब आप विंडोज़ को इंस्टॉल करोगे, आप डेस्कटॉप में कोई भी ऐसा चीज़ को मत रखना, अपना कोई भी फाइल को ऐसा मत रखना जो आपको ज़रूरी हो, क्योंकि ये वापस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको बाकी ड्राइव जो आपकी रहेगी सी को छोड़ के डी ई एफ जो भी आपके ड्राइव है, वो आप अगर फॉर्मेट नहीं करेंगे तो वो सारे ड्राइव में जो भी कुछ आपका रहेगी वो सारा सेव रहेगी, बट डेस्कटॉप में जो भी कुछ रहता है वो सब सी ड्राइव में जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि आपको अगर कुछ इम्पोर्टेंट आपके सिस्टम में कुछ भी है तो डेस्कटॉप से आप कॉपी करके अपने सी ड्राइव को छोड़ के डी ई एफ किसी में भी रख लें। ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल में आती रहती है। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो थोड़ी मोटिवेट के लिए आप हमें लाइक करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।